चलो हो जाओ ना स्टार्ट, हो जाओ स्टार्ट, हो जाओ ना। क्या हुआ? स्टार्ट नहीं हो रही। चलो अब छोड़ो इसे, बस करो। स्टॉप से गाड़ियां मिलती हैं, उसमें चलते हैं, अच्छा रहेगा। तुम जाओ, कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ मैं। शुक्रिया सईद। ये नहीं चलेगी, इंजन खत्म हो गया इसका। चलो चलकर नई ले लेते हैं। और पैसे? पैसे की क्या बात है, अभी रुको जरा। मेरा एक दोस्त है मोटरसाइकिल मैकेनिक, मैं बात करता हूँ उससे। क्या मतलब है? एक मिनट देखते हैं। आदिल यार क्या कर रहे हो? मत तो करने दो। क्या हुआ? हेलो दोस्त, कहाँ हो? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं, तुमने किस्तों पे एक मोटरसाइकिल ली थी ना, अब भी है क्या? क्या तुम उसे चलाते हो? नहीं अपने लिए नहीं, एक दोस्त को चाहिए। अरे वाह जबरदस्त, मेरे दोस्त, तुमसे तो घर जैसी बात है। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, वो सब मैं देख लूंगा, इंतजार करता हूँ फिर। शुक्रिया मेरे यार, हमेशा खुश रहो मेरे दोस्त। बाइक आ रही है, हेलमेट नहीं है तुम्हारे पास? अब हेलमेट लेना पड़ेगा अच्छा वाला। ठीक है आदिल, तुम्हें लेकिन पैसे दे दूंगा मैं। रहने दो। शुक्रिया। हेलो दोस्त। हेलो क्यूटी पाय। अकेले क्यों हो? कहाँ हैं सब तुम्हारे घर वाले? और छोड़कर चले गए क्या? ये बताओ मेरे साथ चलना पसंद करोगे क्या? मुझसे दोस्ती कर लेना तुम। हाँ मैं तुम्हें खुद नहलाऊंगी, फिर खाना भी खिलाऊंगी, ठीक है? हाँ चलो फिर, तैयार हो? चलो तुम्हारे लिए फिश खरीदते हैं मजे मजे की, फिर खिलाऊंगी अपने हाथों से मैं तुम्हें। हाँ? मैं अपने लिए भी कुछ ले लूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चलोगे, चलोगे ना? चलते हैं। जी मैडम, क्या चाहिए आपको? ये कितने का है? 500 रुपए का है ये। बहुत ज्यादा है ये। पहले आप पसंद कर लें इनमें से, इसके अलावा अंदर और भी हैं, कीमत मुनासिब हो जाएगी, आप पसंद कर लें। क्या इसे अपने साथ ला सकती हूँ? हाँ अगर ये गोद में ही रहे तो। अभी तो गोद में ही रहेगा ये मेरे। आइए प्लीज। देखो ये जो घर देख रहे हो ना, ये मरिया मापा का घर है। मरिया मापा बहुत अच्छे इंसान हैं। देखना कितने खुश होंगी तुम्हें मेरे साथ देखकर। बस उसे आईडी कार्ड लेकर चले जाएंगे हम। तुम साथ चलोगे ना मेरे? आखिर अब तुम मेरे दोस्त हो। मरिया मापा, मरिया मापा। जोरा आपा, आप यहाँ पर? याकूब कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपा। और ये कितना प्यारा है, दोस्त है आपका? दोस्त तो नहीं है, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता, बस प्यारा लगा तो उठा लिया मैंने। मरियम आपा नहीं है क्या? नहीं। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, आ जाओ ना। अरे कहाँ भाग रहे हो? हाँ सईद भाई भी आ रहे हैं।
याकूब, सईद को नहीं बताना कि मैं यहाँ हूँ, सुन लिया तुमने? सईद भाई। क्या हुआ याकूब? कुछ नहीं भाई, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कुछ खास नहीं, बस ठीक हूँ मैं। मरियम आपा घर पे हैं क्या? नहीं, वो कहीं गई हैं। कहाँ गई? अंतकिया, बेटे के पास, जल्दी आ जाएंगी। याकूब, कहाँ घूम रहे हो तुम? सामान लेने भेजा था ना तुम्हें, जल्दी से लेकर आओ। ये चप्पल देख रहे हो ना, जल्दी जाओ। अब मैं क्या करूं, पैसे ही नहीं है। एक मिनट सर। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई। सुनो याकूब। जी कहिए सईद भाई। जोहरा को कहीं देखा तुमने? यहाँ कहीं पर? हाँ यहीं आसपास कहीं आई हो, जैसे मरियम आपा से मिलने हैं। नहीं, मैंने नहीं देखा सईद भाई। ठीक है, शुक्रिया। सर छुपाने की जगह भी नहीं है। चलो आ जाओ, चलते हैं। मैं हूं। सो गई क्या? यार हमारी बलाहत तो अब तक ठीक ही नहीं हुई, तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। सुबह तैयार है ना, तुम काम शुरू करना है ना तुम्हें। बाय। आज हम यहाँ रुकेंगे, ठीक है ना? सईद के साथ भी मैं यहाँ पर रुक चुकी हूँ एक बार। मैं आ गई। देखो इधर, देखो जरा, ये लो। ये तुम्हें अच्छा लगा है ना? ये बांध देती हूँ तुम्हारे। नाम क्या रखा जाए तुम्हारा? नाम होगा, तुम्हारा नाम होना चाहिए सतलज। कैसा लगा? अच्छा लगा तुम्हें तुम्हारा नाम सतलज? कैसा है? उदास क्यों हो गए? शायद तुम्हें
अपनी मॉम याद आ रही होगी ना सतलज? शायद ऐसा ही है, मुझे भी याद आ रही है किसी की, जैसे तुमने भी देखा था ना मरियम आपा के घर के सामने उसे, कितना थक गया था वो मेरी तलाश में। पता है थोड़ी देर और रुकता ना तो मैं उसके पास चली जाती, उसकी खुशबू यही है, उसके प्यार के साथ, जैसे कि ये हवा होती है ना, हर वक्त हर जगह हमारे साथ साथ चलती है हवा, उसकी खुशबू और प्यार ऐसे ही बस गया है मुझ में। हसरतler ayrılıkla başlar, yanar yürek sessizce ağlar, bütün anılar canını verir sanki bitmemişler gibi. Yolu gözlenen giden sevgili geri gelecekmiş gibi. İçin için har gibi kaplar bütün benliği, bir garip olursun bunun ardından. Bazı bir rüzgar gibi eser ayrılık yeri, giden sevgilinin ardından. मैं समंदर की लहरों को गवाह बनाकर कहती हूँ कि सईद सिर्फ और सिर्फ मेरा है। काश ये लहरें मुझे और सईद को उस दुनिया में ले जाएं, जहां सिर्फ और सिर्फ खुशियां बसती हैं और जिंदगी में सिर्फ अच्छे लोग शामिल हों, जिनमें कोई बुराई ना हो, और वो उन खुशियों की वजह बने जिनके लिए हम तरसते हैं, और उनसे मुलाकात हो जाए जिन्हें याद करते हैं। Başka yerde ararlar, oysa geçen günlere yakınırlar. Önceleri sessizdi ayrılar. Jessica, mera bhai mutluluk Ahmed. Başka yerde ararlar. Ammi. Oysa geçen günlere और कोई भी बुरा शख्स ना रहे, और अगर कोई बुरा शख्स आए तो ये लहरें उन बुरे लोगों को हम तक पहुंचने ना दे। काश तुम यहां होते सईद। मेरे साथ खेलना अच्छा लग रहा है तुम्हें सतलज? अच्छा चलो अब हमें सो जाना चाहिए सतलज। आदिल एक बात कहूं मैं तुमसे, बहुत शर्मिंदा हूं कि हम तुम पे बोझ बन गए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अभी खाना खाओ और आराम से जाकर सो जाओ। हम जैसे लोगों को बस यही बताना चाहिए, कभी गिरना नहीं है, हमारे लिए गिरना हराम है। पता नहीं रोएदा कहां है, जोहरा का भी नहीं पता, पता नहीं किस हाल में होंगी। एक मां होते हुए मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूं? अब इस शरीफा का क्या मसला है? वो पागल औरत है भाई, जाने दीजिए उसे। चला छोड़ो उसे। बाबा डॉक्टर को दिखाने गए थे, क्या बताया डॉक्टर ने? नहीं कुछ पता नहीं चला, बस इतना समझ में आया है कि फिकरत साहब ने कुछ भी बताने से मना किया है, बहुत कोशिश की हमने। अच्छा
चलो ठीक है जाओ। गुड इवनिंग बाबा। गुड इवनिंग। तबीयत कैसी है बाबा? क्या बताया आपको डॉक्टर ने? अब्बास से पूछ लेते, वैसे भी तो छोड़ा उसे तुमने मेरे पीछे। आप अपनी बीमारी के बारे में हमसे बात क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं मर भी जाऊं तो इससे क्या फर्क पड़ता है जाकिर? आप हमेशा यही करते हैं बाबा। अम्मी भी बीमार थी तो वो भी छुपाया हमसे, यहां तक कि आपने हॉस्पिटल वालों को भी बताने से मना कर दिया था। बताएंगे आप ये सब क्यों करते हैं और किस लिए? ठीक हूं मैं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं तो रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन आप अभी भी कॉल्स कर रहे हैं जोरा के नंबर पर। कुछ और भी हो सकता है, हर वक्त जोरा का क्यों पूछते हो? क्या मसला है? मुझे कह रहे हैं? हाँ तुम्हें। मुझे नहीं नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है उससे, जोरा से? जानता हूं मैं, कोई तो मसला है जाकिर जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है तो बार बार जोरा का क्यों पूछते हो? अगर आपको कुछ गलत मालूम है तो बता दें। कुछ तो है जो तुम बताना नहीं चाहते, बात इज्जत की है या फिर कोई ना कोई और मसला है तुम्हारे साथ? अगर आपको लगता है तो बताएं मुझे। अच्छा तो फिर मैं बता देता हूँ। जोरा ही थी। पूछा था तुमने कि किसकी कॉल आई थी। मुझे तो लगा मैं कसूरवार हूं, मेरा शक सही निकला कि वो जोरा ही थी। उसने सईद का घर छोड़ दिया है। तो वो कहीं और है क्या? हाँ बिल्कुल, वो कहीं अकेले जाकर छुपी हुई है। आपको यकीन है उसकी बात पर, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? हाँ है। हम एक बस में जा रहे थे और क्या करते यार, इसके अलावा और कोई रास्ता था क्या? अब यही कहूंगा कि अल्लाह बहुत बड़ा है। अब तुम्हारे सामने हीरा, मैं तो जाग जाग कर मर ही गया। इतना थक गया हूं ना मैं यार कि तुम पूछो ही मत। जाते साथ ही नाश्ता करके सो जाऊंगा मैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इस बार हम खाली हाथ आ रहे, एक मछली तक नहीं लगी यार, और हमारी हालत ही देख लो हम कितने थक चुके हैं। अब यकीनन तुम दोनों चाय बनाने का भी मुझे ही बोलोगे। बहुत थक गया हूँ मैं तो। हाँ यार, नाश्ते का सारा सामान तो ले लिया है ना तुमने? हाँ हाँ सब ले लिया। और तुम चाय? ये लड़की कौन थी? ये लड़की कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी? शायद किस्मत में नहीं थी हमारे। जाने भी तो किस्मत को, चली गई तो चली गई यार, तुम कभी नहीं सुधरोगे। चलो अंदर। हेलो। हेलो आदिल भाई, मैं बात कर रही हूँ जहरा। जहरा कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं आदिल भाई। सईद कैसा है? मैं बात करना चाहती हूँ उससे। जख्म तो बेहतर हो गए उसके, लेकिन अब बहुत उदास रहता है वो, दिल जो टूट गया है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? तुम्हारे पास पैसे तो है ना? ठीक हूँ, पैसे भी हैं मेरे पास, लेकिन अब मैं काम करूंगी, बल्कि जॉब तो मिल गई है मुझे। मैं फिर कॉल करूंगी। रुको, मेरी बात सुनो। मेरी बात गौर से सुनो, मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है जोरा? वो एक फाउंडेशन है बेघर बच्चों की। बेघर बच्चों की? लेकिन मैं क्या करूंगी वहाँ? तुम वहाँ जाना, तुम्हें एक बंदा मिलेगा नजमी दमीर नाम का, वो तुम्हारे लिए किसी न किसी जॉब का बंदोबस्त जरूर कर देगा। कौन है वो, क्या आप जानते हैं उस शख्स को? हाँ मैं जानता हूँ उसे। भरोसेमंद है ना?
तुम परेशान मत हो, भरोसे का आदमी है वो। अच्छा, लेकिन देखे सईद को कुछ मत बताइएगा वरना मैं काम नहीं करूंगी वहाँ, और वहाँ से भी भाग जाऊंगी, देख लीजिएगा, वादा करें। अच्छा चलो, मैं नहीं बताऊंगा कुछ सईद को, ठीक है? लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं तुम्हें एड्रेस समझा रहा हूँ। मिल गया, आजा, शायद यही है वो जगह। इतना ढूंढने के बाद जो जगह मिली है, अगर वो भी ना हुई तो फिर क्या होगा हमारा सतलज? सुनिए भाई। जी मैडम, कहिए। नजमी साहब से मिलना है मुझे, नजमी दमी। मिस्टर नजमी अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन ये मैं अपनी डॉगी को कहाँ छोड़ कर जाऊँ? ये तो बहुत ही प्यारा है, मेरे पास छोड़ दें इसे। ठीक है सतलज, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है चलो, तुम मेरे साथ आ जाओ। शाबाश, आ जाओ। एक्सक्यूज मी। जी कहिए मैडम। मुझे नजमी साहब से मिलना है। ठीक है, आ जाइए। आप यहाँ पर आराम से बैठ जाइए, मिस्टर नजमी बस आने ही वाले हैं। सईद, यकीन दिलाने के लिए इतना ही काफी कि तुम्हारे हाथ में जो फोन है मेरा है, कोई और सबूत तो नहीं चाहिए तुम्हें? सईद कैसी हो बताओ? ठीक हूँ। तुम बाहर आ गए? हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि मैं वहाँ पहुँच गई। मैं अपने घर जा रही हूँ। अगर तुम्हें फोन चाहिए तो मेरे घर आ जाओ। अर्नावुड के में रहती हूँ, वाइट स्ट्रीट नंबर 23। समझ गया, आता हूँ। बहुत शुक्रिया। शाम दीद। आखिर तुम यहां आ ही गए, इतने पागल हो मेरी मोहब्बत में? सही पहचाना, तुम्हारी खूबसूरती वापस ले आई मुझे। कितना मीठा बोलते हो तुम, फिर भी जहर लग रहे हो।
बात कहूं? तुम जो खेल खेल रही हो मेरे साथ, बच के नहीं जा सकती तुम मुझसे। आदत है मेरी कि मैं धोखेबाजों को भूलता नहीं। क्या मतलब इस बात का? चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। तुमने सईद को भागने में मदद की है मेरी कैद से, याद आया? ये तुम कैसे कह सकते हो? तो क्या मैं गलत कह रहा हूं तुमसे? कुछ नहीं किया मैंने। पागल समझती हो मुझे? मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, समझी? ए, पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? बताऊं? हाथ तो मैं तुम्हें सदियों से लगा रहा हूँ, फर्क यह है कि तुमने मेरा प्यार देखा है। क्या करोगे तुम? मार दोगे ना मुझे? नहीं डरती मैं तुमसे, समझ आई तुम्हें? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओगे? हाँ, भूल रही हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ? सईद का अंजाम देख रही हो ना? तुम पागल हो गए हो क्या? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वाह वाह, अच्छा ड्रामा है। लग तो रहा है कि तुम्हारा कोई तो ताल्लुक है सईद से। कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। बच नहीं सकता वो मुझसे, एक ना एक दिन तो मैं मार दूंगा उसको। लेकिन ये बताओ कि तुमने उसको भागने में मदद क्यों की? बोलो। बेहतर है कि तुम पहले कुछ पी लो, क्योंकि बिना पिए तुमसे फालतू बकवास किए जा रहे हो जाकिर। ये बताओ क्या प्यार करने लगी उससे? क्या बोल रहे हो, मैंने कभी देखा भी नहीं उसे। अच्छा, नहीं देखा तुमने उसे? हाँ, नहीं देखा। सच सच बताओ। नहीं देखा उसे। बताओ अब देखा या नहीं? हाँ देखा था उसे। तो बात भी हुई? हाँ बात भी की। और तुमने ही भगवाया? मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ शक है तुम्हारा। तुम ये भी जानती हो कि सईद कहाँ है और इब्राहिम को तुमने कॉल की थी ना? कैसे आदमी हो तुम? जिस आदमी को तुमने बुलाया वो एक औरत को बचाता है, उसकी हिफाजत करता है, बर्बाद नहीं करता, उसे सबके लिए नहीं छोड़ता। वो सईद एक ऐसा मर्द है अपनी मोहब्बत के लिए जान भी दे सकता है। तुम उसके जूते के बराबर भी नहीं हो सकते कभी जाकिर, जूते के बराबर भी नहीं हो सकते। माफ कर दो मुझे। कर दो कि ना? परफॉर्मेंस का इनाम। तुम अंदर हो?
कुंती का? जाकिर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रुबैदा कहाँ है? बताओ मुझे। तारिक ले गया उसे, वो उसे भी ड्रग्स देगा। भाई मुझे बचा, भाई, भाई। चुप,